हेलो गाइज, आज मैंने घर का सारा काम करने के बाद में मैं तुरंत गई हूँ अपने प्लॉट पर अपनी सास माँ के साथ। बोले थी आज आपको प्लॉट दिखाते हैं, आप बहुत दिन हो गया प्लॉट नहीं देख के आई, और यहाँ पर रास्ते में हो रही है बहुत ज़्यादा कीच, यहाँ निकलना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले हैं। अब हम अपने प्लॉट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ एक प्लॉट भी है जो घर बना हुआ है, और अब हम चल रहे हैं अपने प्लॉट की तरफ। और यहाँ टेम्पो भी खड़ा है और यहाँ हमने कांटे लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ बंदरों ने ना आतंक मचा रखा है बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे बता रही है मम्मी जी कि यहाँ पर मैंने पटिया रख दी है, मैं शाम को आके यहाँ बैठ जाती हूँ। अब हम पहुँच गए हैं अंदर, मम्मी जी घुस गई हैं अंदर, पीछे से मैं घुस रही हूँ। और ये बेल हैं, देखो बेलों पर अपने पत्ते पीले पड़ गए, और मम्मी जी मुझे दिखा रही हैं कि यहाँ देखिए कितने फल लगे हुए हैं, तोरई, काशी फल, लौकी और सेम, सारी बेल लगी हुई हैं। और यहाँ नसेनी रखी हुई है क्योंकि छत पे पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड ने आके पानी निकाला था और इसमें मम्मी ने पटक दिया राख, देखो कितनी सारी राख है, और इस पर लगा दी ढाकर क्योंकि बंदर आके ना सारे फलों का नुकसान कर देते हैं, इसलिए लगा दिए उस पर ढाकर। और यहाँ पर मुझे देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक फल, मम्मा इशारा कर रही है देख इसके नीचे फल है, तो मैंने फल को देखा है और मुझे बताती जा रही है कि देख यहाँ एक फल है, यहाँ भी एक फल है, यहाँ भी एक फल है। अब मम्मा जी ढाकर को उठा के दिखा रही है, देख यहाँ पर एक फल है, आप देख सकते हो, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, देखो मैंने जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको, इधर को हाँ दिखाई दिया नहीं दिया आपको, अभी छोटा है और कुछ दिनों बाद ये बड़ा भी हो जाएगा। और क्योंकि ये काशी फल मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, और आपको कैसे लगते हैं आप भी बताना ज़रा कमेंट में, और क्योंकि अपने घर की सब्ज़ी तो सबसे बेस्ट लगती है। और देखो यहाँ और दिखा रही हैं कि देखिए, देखो यहाँ पे बहुत सारे, देखो ये दिखाई दे गई आपको, बहुत सारे फल हैं, 7-8 फल लगे हुए हैं, अब देखते हैं कितने बच सकते हैं हमारे लिए क्योंकि बंदर छोड़ दें जब भी ये। और देखिए बहुत अच्छा लगता है, देखो मैं भी इशारा कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फल है मम्मी को नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने बोला कि इधर की साइड में फल है। अब यहाँ पे ना आगे चल के देखो, मुझे एक तोरई भी तोरई मिली है, और मैंने मम्मी को बताया, मम्मी देखो कितनी बड़ी तोरई है, तुम्हें को नहीं पता है, तो बोल रही मुझे, मैं तो कल ही तोड़ के लेके गई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। अब देखो कौन खा गया बंदर, यहाँ हम देख रहे हैं सब्जी, हमने अपने प्लॉट में उगा रखी है सब्जी, आप लोगों को खानी हो तो बताना, हम भी आपके लिए भेज देंगे, एड्रेस भेज देना, सबके घर पे पहुंचा देंगे। और देखो यहाँ पे भी एक काशी फल लगा हुआ है, यहाँ पे एक तोरी काशी फल है ये तो, और हमको उस दिन मिली थी 2 तोरी, तो हम तोरी को लेके आए हैं, लेकिन अभी हमने बनाई नहीं है जब से, अभी घर पे रखी है क्योंकि 2 तोरी की सब्ज़ी कितनी बनेगी, हमने सोचा हम बाद में बनाएंगे, 2-4 और तोड़ाएंगे जब बनाएंगे। और आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी जोर की हमारी फसल है, आप भी खाली प्लॉट में लगा सकते हैं, बना सकते हैं, उगा सकते हैं पेड़ पौधे। और ये तो हरी सब्जियां तो बेस्ट होती हैं खाने के लिए, बहुत सारी विटामिन्स होती हैं इसमें, नहीं तो वो खा जाएंगे तुम्हारे, आप देख सकते हो। और कांटा भी छुप चुका है मम्मी के, तो मम्मी तोरी देख रही हैं कि एक तोरी और मिल जाए तो सब्जी बन जाए। आपको तोरी की सब्जी कैसी लगती है ज़रा बताना, पहले मैं नहीं खाती थी लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, घर में मैं और मम्मी ही खाते हैं। और देखो मम्मी बोल रही हैं कि ऐसा कर तू अंदर देख क्या, हाँ है वो तो मेरे, इसमें मैंने कंडे भर दिए हैं बहुत सारे उसके अंदर, देखो कितनी मोटी है ये, एक हमारा रूम बना हुआ है, हमने क्योंकि प्लॉट खरीदा था, तो मैं बोल रही हूँ तुम अभी पहले देख लो, देखो एक तोरी मिल गई, दिखाई देगी ना आपको तोरी, ये है हमारी फसल, कितनी बड़ी तोरी मिली है, और कुछ दिनों बाद ये पक जाती, ये होता है अपनी फसल का कारनामा, कभी भी तोड़ सकते हो, किसी की फसल में तुम नहीं जा सकते हो, अपनी फसल होती है तो आप बिना डरे हुए जा सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। तो हमने अपनी सब्जी उगा रखी है, और आपके पास में प्लॉट खाली हो तो आप भी उगा सकते हो, आजकल तोरियाँ 80 रुपये किलो चल रही हैं, बहुत महंगी सब्जी हो गई है। अब देखो हम ये आ गए हैं, और मैंने सोचा कि मैं अपनी ही वीडियो शूट कर लेती हूँ उसमें थोड़ा सा, नहीं तो आप कहोगे पता नहीं है कौन है ये, देखो ये तोरी का है, तोरी नहीं ये है लौकी, लंबी लंबी है अभी, और ये सेम है, सेम आ रही अभी आई नहीं है लेकिन फूल छूट रहा है इस पर, देखो कितना अच्छा है, कितनी हरियाली सी हो रही है। अब मैं कमरे के अंदर आ चुकी हूँ, देखिए मैं अंदर तो नहीं घुसी, मैं बाहर गेट पे, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो सांप फांप निकल आए, देखो कितने कंडे भर रहे हैं, देखो देखो इसमें सारे में मम्मी ने पात के ना कंडे भर दिए, देखो और सारी बारिश में ना सारे भीग चुके हैं कंडे, एक नसैनी चार्ली लगी है, चार्ली क्या हाल हो रहा है इस कमरे का देख लीजिए, कबाड़ खाना बन रहा है इसका,
आपने देखा ही होगा गाँव में ऐसे होता है। देखो ये बच्चा चढ़ गया मेरा ऊपर छत पे, मैं मना कर रही हूँ ऊपर मत चढ़ो, बोल रहा मम्मा अभी आता हूँ अभी आता हूँ। देखो छत पे चढ़ गया है इसकी पे, मुझे डर लगा रहता है कहीं बच्चे की हाथ पैर में चोट न लग जाए। अब देखो ये बाहर आ चुके हैं भाई साहब हमारे, अब बोल रहे हैं हम बाहर जा रहे हैं, नीचे होके निकल जाओ ना, तो काटे को हटाओ, अरे नीचे होके निकलो ना, पानी चाहिए यहाँ, पानी नहीं बेटा। आपको फसल दिख गई, देख लो हमारी ऐसी फसल है।